हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो लोअर पीसीएस और एनटीपीसी ग्रुप डी इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वेज कैन अ बैट्समैन लूज हिज विकेट्स। कितने तरीकों से कोई भी बैट्समैन अपना विकेट खो सकता है। तो ऐसे कितने तरीके हैं, जैसे रन आउट हुआ, बोल्ड हुआ, कैच आउट हुआ। तो कितने तरीकों से बैट्समैन अपना विकेट खो सकता है, 10 वेज, ठीक है, 10 तरीकों से। आगे चलिए, कोरंडम इज अ मिनरल ऑफ डैश। तो कोरंडम किसका मिनरल है, कैल्शियम, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम। तो किसका है ये, एल्यूमिनियम का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसका है ये मिनरल, एल्यूमिनियम का। चलिए आगे, थर्ड क्वेश्चन इज द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। इंडिया में टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा है, तमिलनाडु, आसाम, केरला और फिर कर्नाटका। तो क्या होगा आंसर, आंसर है आपका आसाम। आसाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, ठीक है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या इशू किया जाता है, ऑर्डिनेंस, रूल्स, स्टेटस और प्रोक्लेमिनेशन। तो क्या इशू किया जाता है, तो इशू किया जाता है ऑर्डिनेंस, ठीक है, रूल्स नहीं होते, स्टेटस नहीं होता है या फिर प्रोक्लेमिनेशन भी नहीं होगा, ठीक है, आंसर क्या है, ऑर्डिनेंस। चलिए आगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड बाय द। तो जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो किसके द्वारा फिक्स की जाती है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्लियामेंट। तो वो कौन फिक्स करता है, वो फिक्स करता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चलिए आगे, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, जे जे थॉम्सन, रदरफोर्ड, बोर या फिर चैडविक। तो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ये डिस्कवर्ड किया गया था चैडविक के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है, चैडविक। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज मेड यूज ऑफ द वर्किंग ऑफ एन एटम बम। तो कौन से प्रिंसिपल एटम बम में काम करते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल होता है, कौन सा प्रिंसिपल होता है, थर्मियोनिक इमिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन या फिर ट्रांसम्यूटेशन, कौन सा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर होगा न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। चलिए आगे, पैलियोन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ये किस चीज़ की स्टडी होती है, फोसाइल्स, बोन्स, एनिमल्स या फिर बर्ड्स। तो किसकी होती है, बर्ड्स की तो होती है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, फोसाइल, ठीक है। पैलियोन्टोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, फोसाइल्स की। चलिए अगला क्वेश्चन, एमलीज एक्ट्स अपॉन। तो एमलीज एक्ट्स करता है किस चीज़ में, लिपिड्स, ऑयल्स, स्टार्च और ग्लूकोज। तो किस चीज़ में वर्क करता है, ये एक्ट्स करता है स्टार्च के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एक्टिव सेल डिवीजन इन अ प्लांट इज फाउंड इन द। तो जो एक्टिव सेल डिवीजन है ये किस चीज़ में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, पिथ सेल्स, सेल कॉर्टेक्स और फिर इंटरनल नोडल रीजन। तो किस चीज़ में पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में, ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो कौन सा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, बी, सी, डी या फिर ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो कौन सा है, तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है आपका विटामिन डी, ठीक है, आपका होगा आंसर सी वाला, विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। तो किस ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस को का गठन किया गया था, तो किस ईयर में किया गया था, 1811 में, 1858 में, 1885 में या फिर 1895 में। तो सही आंसर होगा 1885, ठीक है, और किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने किया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द लीडर ऑफ कोचीन हु फॉट विथ वेलू थाम्पी दालवा अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो वेलू थाम्पी दालवा के खिलाफ, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था वो कौन था,
तो कौन था वो? क्या होगा इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा? तो राइट आंसर होगा पिलियात एचन, बी आंसर होगा आपका, ठीक है। पालियात एचन ये क्या किए थे? ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो फर्स्ट वायसराय ब्रिटिश इंडिया के कौन थे? तो क्या होगा आंसर? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट किंग प्रिसाइडेड द कोर्ट ऑफ कन्नौज। तो कौन था फर्स्ट किंग? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त या कनिष्क। तो सही आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका सी वाला, सी क्या है? हर्षा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज द मिड लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की बीच की लेयर कौन सी होती है? मिड लेयर कौन सी होती है? सियाल, सीमा, कोर या फिर मेंटल। तो कौन सी होती है? तो बीच में जो लेयर होती है, मिड लेयर होती है, उसका नाम क्या है? मेंटल। आंसर होगा आपका डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द हिमालयन माउंटेन इज मेड अप ऑफ। जो हिमालयन माउंटेन है वो किस चीज़ से बने हैं? इंस्ट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स। किस रॉक से मिलाकर बना हुआ है हिमालय? तो ये बना हुआ है आपका मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, द मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर की सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटरी है वो कौन सी है? यमुना, रामगंगा, गोमती या फिर हुगली। तो राइट आंसर होगा हुगली। आप लोग शायद यमुना सोच रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, डिस्ट्रीब्यूटरी लिखा हुआ है, ठीक है, जो उससे अलग होती है, ना कि उसमें गंगा में ऐड होती है। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, द लीडर हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? तो वो हैं दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर विपिन चंद्र पॉल। तो राइट आंसर है आपका विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे मोस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा साउथ का पार्ट कौन सा है? तमिलनाडु, पाक स्टेट, मालदीव, निकोबार ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा साउथ में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये इंडिया के बिल्कुल साउथ में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मेनलैंड पूछता है तो फिर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? आंसर है आपका ए वाला, ठीक है, आदियार में। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, विच इज़ नॉट अ पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की वेस्ट कोस्ट में पश्चिमी तट पर कौन सा पोर्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पारादीप, मार्मागोवा, मंगलोर या फिर कांडला। कौन सा पोर्ट पश्चिम में नहीं है? तो आंसर होगा आपका ए, पारादीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो माइका का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? तो आंसर क्या है आपका बताइए, कौन सी है? एड्स, गोनोरिया, सिपलीस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? डी, ठीक है। राइट आंसर क्या है? डी, ये सारी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, द ईयर इन विच द पोस्टल स्टाम्प्स वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट। सबसे पहले किस ईयर में पोस्टल स्टाम्प्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाए गए थे? तो क्या है? 1840 में, 1845, 1850 या फिर 1855।
तो क्या होगा, किस ईयर में पोस्टल स्टाम्प्स लाए गए थे? तो आंसर है 1840। ठीक है, सही आंसर है 1840 में सबसे पहले पोस्टल स्टाम्प्स लाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशन आइडेंटिफाइड टिल नाउ बाय ह्यूमन बींग्स? तो अभी तक ह्यूमन बींग्स के द्वारा सबसे ज़्यादा नंबर में कॉन्स्टिलेशन आइडेंटिफाइड किए गए हैं वो कितने हैं? 48, 58, 78 या फिर 88? कितने हैं? तो आंसर है आपका डी, 88। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। द हाइएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। तो जो हाइएस्ट रेलवे ब्रिज है वो किस रिवर पर बना हुआ है? झेलम, चेनाब, ब्यास या फिर रावी? तो किस रिवर पे है? झेलम रिवर पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रोवर्सियल फिल्म फॉर डिस्प्ले? तो कौन सी फिल्म कंट्रोवर्सियल फिल्म थी? ठीक है, द ग्रेट एस्केप, हेमलेट, द विंची कोड या कैशिनो रॉयल? कौन सी है फिल्म, कौन सी फिल्म बहुत ही कंट्रोवर्सियल थी? तो उस फिल्म का नाम है द विंची कोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बारखांस आर लैंड फॉर्म्स ऑफ, तो बारखांस किस प्रकार की लैंड फॉर्म है? ठीक है, विंड इरोजन, विंड डिपोजिशन, कोस्टल इरोजन या फिर ग्लेशियल डिपोजिशन? तो किस प्रकार की है? तो ये है विंड डिपोजिशन। ठीक है, किस प्रकार की है? आंसर होगा आपका वी, विंड डिपोजिशन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पाम पडिंग मॉडल ऑफ एटम इज प्रिपेयर्ड बाई, तो जो पाम पडिंग मॉडल है एटम्स का वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या नील्स बोर? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है नील्स बोर। ठीक है, याद रखिएगा पाम पडिंग मॉडल किसका है? नील्स बोर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एन एग्जाम्पल फॉर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कौन सा ऐसा सोर्स है जो नॉन रिन्यूएबल है? तो बताइए क्या होगा आंसर, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, बायोमास, वाटर पावर? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक बार यूज़ हो जाता है तो दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इन विच कंट्री द G8 समिट ऑफ 2005 हेल्ड, तो 2005 का जो G8 समिट था वो कहाँ पर हुआ था? कनाडा, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्कॉटलैंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इन साउथ इंडिया जैनिज्म वाज स्प्रेड वाई, तो साउथ इंडिया में जो जैनिज्म है वो किसके द्वारा फैलाया गया, किसके द्वारा वहाँ पर प्रचार किया गया? तो क्या है आंसर, क्या होगा आंसर, होगा आपका डी, भद्रबाहु। ठीक है, आंसर क्या है, भद्रबाहु के द्वारा जैनिज्म साउथ में फैलाया गया था, वहाँ पर उसका प्रचार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द पीपल ऑफ विच कंट्री हैव लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, तो किस कंट्री के लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा है, लाइफ स्पैन है ना, बहुत ज़्यादा साल तक जीते हैं, तो किस कंट्री की है? लगभग आप सभी लोग जानते ही होंगे, जापान। ठीक है, तो जापान के लोग सबसे ज़्यादा साल तक जीते हैं। ठीक है, ना ही चाइना है, ना ही अमेरिका है, ना ही इंग्लैंड है और ना ही इंडिया है। चलिए इंडिया का कितना है, 69 ईयर है। ठीक है, 69 ईयर एक एवरेज में मैन जीता है। चलिए नेक्स्ट। विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा सोर्स नहीं है? फिश, बटर, चीज़ या पोटैटो? तो कौन नहीं है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स? बटर। ठीक है, कौन नहीं है? बटर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू पर्सियन लैंग्वेज, तो पर्सियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था भगवद गीता को? अब्दुल फजल, दारा, दादू या बलबन? किसने किया था? तो ये था दारा। ठीक है, दारा ने भगवद गीता को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की जो सेकेंड हाइएस्ट पीक है वो कौन सी है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी या गॉडविन ऑस्टिन? कौन सी है? तो सेकेंड पोजीशन पर जो है वो है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट। द ऑथर ऑफ द बुक गांधी लाइफ एंड थॉट्स,
गांधी की लाइफ और उनके थॉट्स। तो ये इस बुक के ऑथर कौन है इस बुक के ऑथर? वी डी सावरकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर आर के लक्ष्मण? किसने लिखी है ये बुक? तो इस बुक के ऑथर हैं जे बी कृपलानी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द क्रिएचर इन विच द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो द क्रिएचर इन विच द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो क्या होगा इसमें? बर्ड, डॉग, कैट या फ्रॉग? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपका डॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच कंट्री वन द गोल्ड इन मैंस हॉकी इन बैंकॉक एशियन गेम्स 1998? तो 1998 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें मैंस हॉकी इन बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल किसने जीता था? इंडिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, जापान? तो किसने जीता हुआ था? तो ये जीता हुआ था पाकिस्तान ने। ठीक है, अभी थोड़ा हाल में ही मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान का, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द नॉवल द एम्बेसडर। तो द एम्बेसडर जो नॉवल है वो किसने लिखा हुआ है, कौन है उसके ऑथर? तो ऑथर है उसके हार्डले चेस। ठीक है, हार्डले चेस ये ऑथर है द एम्बेसडर बुक के। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन फैट। कौन सा एलिमेंट फैट्स में प्रेजेंट नहीं होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन? तो कौन सा नहीं होता है? आंसर होगा कार्बन। कार्बन फैट्स में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉलर। तो सॉरी अमेरिकन फुटबॉल, तो अमेरिकन फुटबॉल के फादर कौन, किसको कहा जाता है? तो अमेरिकन फुटबॉल के जो फादर हैं उनको वाटर कैंप, ठीक है, वाटर कैंप को अमेरिकन फुटबॉल का फादर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान? तो आंसर क्या है? आंसर है जापान। ठीक है, जापान डेंसली पॉपुलेटेड है ना, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या पूछा है, डेंसली पॉपुलेटेड, ना कि हाईली पॉपुलेटेड। ठीक है, अगर हाईली पॉपुलेटेड पूछा जाता तो वो क्या होता, चाइना और सेकंड इंडिया, लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड बोला गया है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जापान। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।